नमस्कार, मैं अलीशा और आप सभी का स्वागत है आईएमडी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में हर साल 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह किसी भी भारतीय व एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबेल पुरस्कार था। आज ही के दिन 1865 में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय को भारत के महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। आजीवन ब्रिटिश राज शक्ति का सामना करते हुए अपने प्राणों की परवाह न करने वाले लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। उन्हें पंजाब के शेर की उपाधि भी मिली थी। वे स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के कारण आर्य समाज के प्रबल समर्थक बन गए। यहीं से उनमें उग्र राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। लाला जी को पंजाब में वही स्थान प्राप्त है जो महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक को प्राप्त है। आज ही के दिन 1944 में भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक रविंद्र जैन का जन्म हुआ था। रविंद्र जैन हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीतकार और गीतकार थे। इन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत फिल्म सौदागर से की थी, जिसमें इन्होंने गीत भी लिखे थे और उनको स्वरबंध भी किया था। इन्होंने सन 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार भी मिला है। वर्ष 2015 में उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय टेलीविजन के मील पत्थर कहे जाने वाले रामानंद सागर द्वारा निर्देशित धारावाहिक रामायण में भी उन्होंने ही संगीत दिया था। आज ही के दिन 1963 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ था। बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव जीरादेयू में 3 दिसंबर 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे बेहद प्रतिभाशाली और विद्वान व्यक्ति थे। वे भारत में एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद का कार्य किया। सन 1962 में राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। आज ही के दिन 1572 में मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह का निधन हुआ था। उदय सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ में अगस्त 1522 में हुआ था। उदय सिंह द्वितीय एक मेवाड़ के महाराणा थे और उदयपुर शहर के स्थापक थे, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य है। ये मेवाड़ साम्राज्य के 53वें शासक थे। उदय सिंह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के 4थे पुत्र थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 28 फरवरी दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुकैश्वर्य। मेष, आपके सुकैश्वर्य के लिए भाग्य 34%। कारोबार में वृद्धि होगी। यात्रा के योग हैं। आपको शत्रुओं के आतंक से छुटकारा मिलेगा। कार्यभार अधिक रहेगा, मन शांत रहेगा। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला तथा निषेध रंग लाल व सिंदूरी। वृष, आपके सुकैश्वर्य के लिए भाग्य 79%। मन वांछित स्थान पर ट्रांसफर के योग हैं। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण करें। आपको पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट, मल्टी कलर तथा निषेध रंग गुलाबी व बसंती। मिथुन, आपके सुकैश्वर्य के लिए भाग्य 71%। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें। आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला व लाल। कर्क, आपके सुकैश्वर्य के लिए भाग्य 77%। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आमदनी बढ़ने के साथ साथ रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपके खर्च बढ़े हुए रहेंगे। अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग हर प्रकार के सफेद तथा निषेध रंग काला व स्लेटी। सिंह, आपके सुकैश्वर्य के लिए भाग्य 48%। उपलब्धि एवं अवसरों की प्राप्ति के योग हैं।
कार्यों में अनावश्यक अवरोध हो सकता है, परंतु यह सब अस्थाई है। विदेश के लिए इन दिनों में उत्तम योग है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होने के योग है। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78%। कार्य क्षमता के अनुरूप ही सफलता प्राप्त होगी। माता पिता की ओर से चिंता हो सकती है। करियर या कारोबार या फिर नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखनी होगी। भाग्य में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला व लाल। तुला, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88%। समय शुभ है, लाभ प्राप्त होगा। नए लोगों के साथ व्यवसाय के अवसर बनेंगे। परिवार में आंतरिक कलह खत्म हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग पीला व लाल। वृश्चिक, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%। स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से कुछ परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें, भाग्य आपके साथ है। समय अनुकूल चल रहा है, निवेश शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 49%। व्यवसायियों को अच्छे एवं बड़े ग्राहक मिल सकते हैं। पूर्व में जो उधार दिया गया था उसकी प्राप्ति संभव है। योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़े। बचत पर ज्यादा ध्यान रहने वाला है। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग मस्टर्ड व काला। मकर, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%। परिजनों के साथ मतभेद हो सकता है, भाग्य आपके साथ है, उसका लाभ उठाएं। आप कुशलता व होशियारी से असंभव कार्य को पूरा करेंगे। उद्यमशीलता एवं पहल करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल व पीला। कुंभ, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%। कार्य की अधिकता रहेगी, परंतु गर्व का भी अनुभव होगा। समय अनुकूल है, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संबंधों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल व पीला। मीन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%। कारोबार में अनुकूलताएं बनी हुई है। आकस्मिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आपके कुछ काम दोस्तों और भाइयों की मदद से पूरे हो जाएंगे। आप स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़े पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग पीला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।